प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। उस परिस्थिति में अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। 24 घंटे पहले आपके पास चाबी था, आपने डिसीजन लेने में देर कर दी। आज भी चाबी है, बड़ा वेट कर रहे हैं। आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी के साथ। जेजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दुष्यंत जी ने, तो उन्होंने 2-3 बात रखी है। जहाँ तक कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम का सवाल है, जो 2 बात उन्होंने कही, तो हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो चाहे 75% युवाओं के लिए जगह हो, तो वो मैं समझता हूँ। और मान सम्मान और स्थान की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही कह दिया था, जो मैं कल बात कही थी उस पर बात मैं हम अपने उस पर खड़े हैं। और या और कोई सुझाव हो खुले दिल से हम सुझाव भी मान सकते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात जेजेपी कर रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 2 उन्होंने बात कही है, और कोई ये तो हमारे ऑलरेडी हमारे घोषणा पत्र में है। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, उसमें कोई और वो चाहते हैं हम खुले दिल से उनकी बात सहमति कर सकते हैं।